हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल. सो आज हम करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो जब आप लूप्स करते हैं तो उसी के साथ ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज होती है. ऑल्दो सी में हम ब्रेक स्टेटमेंट को स्विच के साथ भी यूज करते हैं, एंड एज यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट स्विच स्टेटमेंट, हम उसे कर चुके हैं और आपने वहाँ पर देखा है कि ब्रेक कैसे यूज होती है, क्यों यूज होती है और अगर ब्रेक ना दें तो क्या होता है. सो ब्रेक इज़ यूज टू कम आउट ऑफ द स्विच, राइट? जो मैचिंग केस है, जब वो एग्जीक्यूट होता है, आप उसकी स्टेटमेंट्स ख़त्म करते हैं तो ब्रेक के थ्रू हम स्विच से बाहर आ जाते हैं. सेम कंसेप्ट यहाँ पे लूप्स के साथ भी होता है. अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए कि जो एक लूप चल रहा है वो लूप बीच में ही रोकना है, यू वॉन्ट टू स्टॉप द लूप इन बिटवीन. सो लूप बीच में ही रुक जाए, वहीं पर एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाए और आप कोई डिसीजन ले सको, तो वहाँ हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं. सो ब्रेक इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप. और उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसे किसी कंडीशन के साथ दें, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट दे दिया वो तो पहली बारी में ही लूप को ब्रेक कर देगा. सो वी हैव अ लूप, और लूप के अंदर हम कोई ऐसी कंडीशन देते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो लूप बीच में रुक जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता है तो लूप नॉर्मली चलता रहे. सो इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल पहले मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट काम कैसे करती है, फिर हम इसका एक मीनिंगफुल एग्जांपल करेंगे, राइट? सो देखते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है. अगर आप एक नॉर्मल लूप लगाते हो, जैसे कि आपने लिखा int a इज इक्वल टू 1, ठीक है, और फिर आपने लिखा वाइल a लेस देन इक्वल टू 10, और इसके अंदर आप प्रिंट करा रहे हो a को, और फिर आपने a प्लस इक्वल टू 1 करा है या जो भी आपने यहाँ पर इंक्रीमेंट दिया है. सो यू हैव समथिंग लाइक दिस. सो ये क्या करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 प्रिंट कर देगा. सेम चीज़ अगर मैं फॉर लूप से कर रही हूँ तो मैं लिख सकती हूँ फॉर a इज इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकती हूँ एक, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा. सो इन दोनों का काम सेम है, ये 1 से लेके 10 तक प्रिंट करने वाले हैं. पर मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई नंबर यहाँ पर मिल जाता है जो 5 से डिविजिबल हो तो वो वहीं पर लूप को रोक दे. तो आपने यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर दी कि अगर ए 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तो क्या होना चाहिए, ब्रेक. सिमिलर वे यहाँ पर भी लिखना चाहते हो तो वैसे ही आएगा, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए, ब्रेक. तो इससे क्या होगा, आपका ए पहली बार 1 है, ठीक है, 1 लेस देन 10 ट्रू है, 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर उसके बाद चेक करेगा कि क्या 1 5 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर देता है, नहीं देता, क्योंकि 1 मॉड 5 तो 1 होता है, तो ब्रेक नहीं होगा. ए हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है तो 2 प्रिंट हो जाएगा. फिर वो चेक करेगा 2 मॉड 5, वो तो 2 होता है, 0 नहीं होता. फिर 3, फिर 4, जब ये 5 को प्रिंट कर देगा तो चेक करेगा कि क्या 5 मॉड 5 0 होता है, हाँ जी होता है, होता है तो क्या हो जाएगा, ब्रेक. और ब्रेक का मतलब है कि लूप से बाहर आ जाओ, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, आगे काम करेगा ही नहीं. तो 6, 7, 8, 9, 10 के लिए वो चलेगा ही नहीं, वहीं पर रुक जाएगा. इस वाले केस में भी ऐसा ही होगा, ए 1 है, 1 लेस देन 10 है, 1 प्रिंट हो गया. बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें इंक्रीज पहले हो रहा है, तो ये पहले ही 2 हो गया. तो अब वो पहली कंडीशन में किसको चेक कर रहा है, 2 मॉड 5 को, 1 मॉड 5 को नहीं. सो 2 मॉड 5 इक्वल टू 0, ब्रेक नहीं है, कंडीशन ही फॉल्स है. तो ऊपर जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा, 3. अब जैसे ही वो 4 को प्रिंट करेगा, ए प्लस इक्वल टू 1 से वो 5 हो जाएगा, 5 मॉड 5 इज 0, ट्रू, ब्रेक यहीं पे ही रुक जाएगा, आगे चलेगा ही नहीं. अगर आप बिल्कुल सेम ऐसा रिजल्ट चाहते थे तो आपकी ये लाइन यहाँ पर होनी चाहिए थी, तो बिल्कुल सेम रिजल्ट आता दोनों केसेस में, ठीक है. ये तो हो गया कि ब्रेक से हो क्या रहा है, इसका फ़ायदा क्या है ना. अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम अगर मुझे प्रिंट ही 1 to 5 कराना था तो मैं लूप ही 1 से 5 तक चला लेती ना, मैंने ये एक्स्ट्रा कंडीशन ही क्यों लगाई, मैं इसको सीधा 1 से 5 चला लेती. पर ये कंडीशंस हम ऐसी जगह पे नहीं लगाते जहां हमें पता हो कि हाँ यहां जाके ट्रू हो ही जाएगा. सो ये ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर करी और उस वैल्यू का मुझे नहीं पता कि आंसर जो है वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. तो जब तक ट्रू नहीं मिलता तब तक चलता रहे, अगर ट्रू हो गया तो ब्रेक हो जाए. इस चीज़ का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है 2
check if a number is prime or not. ठीक है, ये question बहुत ही ज़्यादा important है, C language में हो या कोई भी language में हो, कि आप एक number input करेंगे और बताएंगे कि वो number prime है या नहीं है. अब देखो, prime number क्या होते हैं, जो सिर्फ दो ही factors होते हैं जिनके, एक one और एक वो खुद अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, इसके अलावा उनके कोई भी फैक्टर नहीं होते. वन इज़ नॉट ए प्राइम नंबर क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है वन. तो जिस नंबर के दो फैक्टर्स हैं, जो वन और एन, वो आपका प्राइम नंबर है. अगर उसके फैक्टर इससे कम या ज़्यादा हुए तो वो प्राइम नहीं है. ठीक है, अब इसका लॉजिक हम ये सोचते हैं कि चलो यूज़र से एक नंबर इनपुट करा लेंगे, मान लो एन में करा लिया, फिर हम एक लूप ले लेंगे जिसमें हम वन से लेकर एन तक चला सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हमें कितने मिले. तो मैंने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स के लिए एक वेरिएबल ले लिया एफ, जिसमें इनिशियली ज़ीरो रख लिया, मान लिया कि ज़ीरो फैक्टर्स हैं. ठीक है, अब जैसे जैसे आपका नंबर इंक्रीज़ होगा, आप देखोगे कि क्या एन ए से डिविजिबल है. तो एन को अगर मैं ए से डिवाइड करती हूँ और रिमाइंडर ज़ीरो आता है, मतलब येस येस इट इज़ अ फैक्टर, इट इज़ अ फैक्टर. तो आप एफ प्लस इक्वल टू वन या सिंपली एफ प्लस प्लस लिख सकते हो. तो उससे एफ की वैल्यू वन से इंक्रीज हो जाएगी, है ना. अब जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाए तो मैं देख सकती हूँ कि भाई एफ अगर एग्जैक्टली टू आया है, मतलब एग्जैक्टली दो फैक्टर्स मिले हैं, तो मैं प्रिंट कर दूँ कि नंबर इज़ प्राइम, एल्स मैं प्रिंट कर दूँ नंबर इज़ नॉट प्राइम. सो ये बिल्कुल परफेक्ट सॉल्यूशन है, इससे आपके पास आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा कि नंबर प्राइम है या नहीं है. पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरा नंबर हुआ 2506, अब 2506 तो 2 से डिवाइड होता है ना, तो मैं बाकी के 2504 टाइम लूप क्यों चलाऊं? आई एम वेस्टिंग माई सिस्टम्स टाइम, मैं अपने कंप्यूटर का टाइम वेस्ट कर रही हूँ 2504 टाइम उसको एक्स्ट्रा चला के. बड़ा नंबर होता तो और ज़्यादा वेस्ट होता. सो ये वेस्टेज नहीं होनी चाहिए. जब पता चल ही गया कि भाई वन के बाद कोई और फैक्टर मिल गया है, अगर कोई और फैक्टर मिल गया है तो इट शुड स्टॉप, उसको वहीं पर रुक जाना चाहिए, आगे जाना ही नहीं चाहिए. तो उसको आगे जाना ही नहीं चाहिए, राइट. तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमने यहाँ पर इफ़ एन मॉड ए इज इक्वल टू ज़ीरो, एफ प्लस प्लस तो किया, और उसके साथ ही हमने चेक कर लिया कि अगर ये एन टू हो गया है, एफ टू हो गया है, तो ब्रेक कर दो. ठीक है, तो जहाँ आपको दो मिल गए वहाँ पर आपने ब्रेक कर दिया, एंड आपने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लगाया. ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आपको एक ही फैक्टर मिला है, ठीक है, या तो आप ऐसे कंडीशन लगा सकते हो, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको लिख के दिखाती हूँ. हमें ये पता है कि हर नंबर वन से भी डिविजिबल होता है और खुद से भी होता है, तो हम यहाँ पर अब लूप ही लगाते हैं, कहाँ से, टू से लेकर. सो टू से लेकर एन माइनस वन तक. तो उसके लिए मैंने क्या किया, टू से शुरू किया, लेस देन एन, मतलब एन से एक पहले तक जाएगा, और इसके अंदर अब वो कभी भी डिवाइड होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए. जहाँ आपको पहला डिविजिबल मिल गया कि भाई अगर ये एन मॉड ए ज़ीरो है, मतलब नंबर मेरा प्राइम नहीं है, तो मैं एफ में वन पुट कर दूंगी कि एक मुझे फैक्टर मिल गया, और साथ ही साथ मैं यहाँ से ब्रेक भी कर दूंगी. सो अब अगर तो आपका नंबर मान लो 15 है, तो वो पहले 2 से डिवाइड करके देखेगा, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है, ए 3 हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड होता है, तो एफ में वन होगा, ब्रेक होगा, बाहर आ जाएंगे. और यहाँ पर अब हम चेक कर सकते हैं कि एफ अगर ज़ीरो है, एफ अगर ज़ीरो है मतलब कोई भी फैक्टर कभी भी नहीं मिला, तो हमारा जो नंबर है वो प्राइम है. और अगर एफ ज़ीरो नहीं है, उसमें कुछ और है, दैट मीन्स हमारा नंबर प्राइम नहीं है. सो नंबर इज नॉट प्राइम. ठीक है, सो जैसे आपके पास मान लो 7 इनपुट होता है, तो ये लूप चलेगा 2 से लेके 6 तक. ठीक है, सो पहले 2 होगा, 7 2 से डिवाइड होता है नहीं, फिर 7 3 से डिवाइड होता है नहीं, 7 4 से डिवाइड होता है नो, 7 5 से नहीं, 7 6 से नहीं, बाहर आएंगे, एफ ज़ीरो है, येस, तो प्रिंट कर देगा नंबर इज़ प्राइम क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, सो वो प्रिंट हो जाएगा. सिमिलर वे अगर आपने इनपुट किया 25, तो 25 2 से डिवाइड होता है नो, 3 से होता है नहीं, 4 से होता है नहीं, 5 से होता है, होता है तो एफ वन हो गया, ब्रेक हुआ, बाहर आए, चेक करेगा एफ ज़ीरो है नहीं, एफ ज़ीरो नहीं है, सो नंबर इज़
नॉट प्राइम. दैट्स हाउ इट वर्क्स. इस तरह से चलता है. बट इस लॉजिक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर आपका नंबर वन इनपुट हो गया तो ये उसमें भी बोलेगा नंबर इज प्राइम. तो आप यहाँ पहले से ही चेक कर लोगे कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो वन से बड़ा होना चाहिए. अगर वो वन है तो हम पहले ही कह देंगे कि इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. सो ये लॉजिक ही तभी सही बैठता है जब नंबर वन से बड़ा. ठीक है, तो उसको आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन देके ऊपर पहले ही चेक करना पड़ेगा. तो ये तो एक एग्जाम्पल है. ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर हमें पहले ही लूप टर्मिनेट करना पड़ता है, हमें लूप को पहले ही रोकना पड़ता है. और जब भी आपको लूप को बीच में से रोकने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट का हेल्प लेना पड़ता है. सो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टॉप द लूप इन बिटवीन. सो जब भी आपको लूप को बीच में रोकना है आप किसकी हेल्प लेंगे? ब्रेक स्टेटमेंट की. ठीक है, सो यही प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा देती हूँ. सो इफ़ आई हैव टू राइट द सेम प्रोग्राम, मुझे एक n चाहिए, एक a चाहिए, एक नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि हमने इनिशियली ज़ीरो ले लिया है. यूज़र से हम पूछ सकते हैं कि एंटर अ नंबर, जिसको चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं. आपका जो नंबर है वो होना चाहिए इंटीजर. सो इट शुड बी टेकन इन n विद द हेल्प ऑफ scanf. और फिर आप पहले ही चेक कर लोगे कि भाई अगर तो n इक्वल टू वन है या लेस देन इक्वल टू वन है. नेगेटिव हम नंबर हम चेक ही नहीं कर रहे, तो हम यहीं पे प्रिंट कर सकते हैं कि इनवैलिड है, इनपुट ही इनवैलिड है, हम इस पे काम ही नहीं करेंगे. एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम अपना काम करेंगे. फिर हम लूप लगा लेते हैं. ए टू से शुरू होगा, लेस देन एन तक जाएगा, ए प्लस प्लस है. इसके अंदर चेक करेंगे कि अगर एन ए से डिविजिबल है, तो अगर आप n को a से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आपका आता है ज़ीरो, मेक श्योर कि आप ये स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट में लिखो क्योंकि आपको ये दोनों एग्जीक्यूट करनी है. f1 भी होना चाहिए और ब्रेक भी होना चाहिए. सो बोथ स्टेटमेंट्स शुड बी एग्जीक्यूटेड. लूप से जब हम बाहर आ जाएंगे तो हम देख लेंगे कि भाई लूप से बाहर आने के बाद आपके f का स्टेटस क्या है. सो f को हम यहाँ फ्लैग वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि उसका पर्पस क्या है बताना कि आप लूप ब्रेक करके बाहर आए हो या लूप पूरा चला कर बाहर आए हो. अगर तो उसके अंदर वन हो गया होगा मतलब लूप ब्रेक हुआ है, अगर ज़ीरो का ज़ीरो ही रहा मतलब कभी भी ब्रेक नहीं हुआ. मैंने मैसेज उल्टा लिख दिया. सो यहाँ पर ये नॉट प्राइम होगा. एफ अगर नहीं, ठीक है, एफ अगर ज़ीरो है तो प्राइम है और अगर ज़ीरो नहीं है तो नॉट प्राइम है. सो ये हमारा कोड हो गया जो मैंने वहाँ पे लिखा था. इसको मैं रन करती हूँ. परसेंटेज डी इज़ प्राइम. अच्छा वो तो बताया ही नहीं. नंबर, सो नंबर आपका क्या है? एन. सो नाउ यू एग्जीक्यूटेड. प्रिंट एफ. सो एंटर अ नंबर, 23 इज़ प्राइम. आपने रन किया, 25 एंटर किया, 25 इज़ नॉट प्राइम. आपने एंटर किया 123. सो वो 123 को बता देगा कि वो प्राइम है या नहीं है. और अगर आपने वन या नेगेटिव नंबर इनपुट किया तो वो बता देगा इनवैलिड. सो इफ आई एंटर ज़ीरो इट सेज इनवैलिड, इफ आई एंटर वन इट सेज इनवैलिड, इफ आई एंटर 123 इट सेज इट इज नॉट प्राइम, इफ आई एंटर 131 इज प्राइम. सो आप इस तरीके से प्राइम नंबर चेक कर सकते हो. और ब्रेक का काम यहाँ पर है टू टर्मिनेट द लूप इन बिटवीन जब हमारी कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो. तो पर ये याद रखना कि लूप में अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो किसी कंडीशन में ही लगेगा, यानी कि हमेशा ही ब्रेक करना है. सो अगर वो कंडीशन मैच करेगी तो ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो दैट्स हाउ वी यूज़ ब्रेक स्टेटमेंट इन सी. आप इस प्रोग्राम को ट्राई करो. एक और प्रोग्राम आप ट्राई करना टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. आपके पास दो नंबर्स हैं, आपका उनको LCM निकाल के दिखाना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. इफ़ यू वांट हेल्प इन द लॉजिक, तो जो पाइथन का 100 डेज कोडिंग चैलेंज वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ है. ऑल्दो वो प्रोग्राम पाइथन में है बट लॉजिक सेम है. तो अगर आपको लॉजिक के लिए हिंट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होमवर्क मैंने आपको बता दिया है. सो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो. ब्रेक समझ आया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सारे क्लासमेट्स के साथ, बिकॉज़ यहाँ पर आपको
सारे के सारे कोर्सेज जो हैं कॉलेज लेवल के वो मिलेंगे जल्द से जल्द. एंड वी ऑल्सो हैव आर साइट दैट इज़ alcoders.co.in जिसपे मैंने C++ आज से शुरू कर दिया है लाइव, जिसकी क्लास रहेगी हर मंडे वेंसडे फ्राइडे 5 बजे लाइव क्लास होगी. ठीक है, सो ये अगली क्लास इसकी आपकी वेंसडे को है. आप यहाँ से जाकर साइट पे जाकर इसको इनरोल कर सकते हैं. अगर आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट है इन BCA BTech तो आप इस कोर्स को भी इनरोल कर सकते हो. दिस इज़ पेड, इसमें भी लाइव क्लासेस हैं, ये भी लाइव है, बट C++ इज़ फ्री. तो अभी तो आप वैसे सी कर रहे हो, जब आप सी कर लोगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो. अगर आपको लगता है आप साइड बाय साइड कोप अप कर सकते हो तो आप अभी से इनरोल कर सकते हो. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.